गोरखपुर के रहने वाले गौरव सिंह ने डिजिटल स्कैन नामक एक ऐप बनाया है, जो डॉक्यूमेंट, फोटो और पेपर का लाइव स्कैन एवं गैलरी से फाइल को इंपोर्ट करके स्कैनिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह ऐप आपकी फाइलों को फोल्डर में व्यवस्थित करने के साथ ही दस्तावेज साझा, पीडीएफ बनाना, फोल्डर का प्रबंध आदि करना आसान बना देता है। बतौर रिसर्च इंजीनियर आईआईटी कानपुर, आईआईटी मंडी, केपीएमजी जैसे उच्च स्तरीय संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके गौरव सिंह इस ऐप के जरिए चाइना और अमेरिका के ऐप को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रिसर्च इंजीनियर गौरव सिंह ने बताया, ऐप से आप डॉक्यूमेंट को लाइव स्कैन भी कर सकते हैं, साथ में आप गैलरी से भी अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको आप क्रॉप कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, उसमें आप फिल्टर यूज़ करके आप डिफरेंट आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें ब्लैक एंड वाइट, शेडो रिमूवर, ऐसे मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं। तो उसमें आप डॉक्यूमेंट को अपना सेव कर लीजिए, अपना फोल्डर क्रिएट करके उसको रख सकते हैं। साथ में आपको उसमें कट और पेस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, जो कि एक जनरल विंडोज़ कंप्यूटर में आपको ये ऑप्शन मिलता है। स्कैनर आपने जो बनाया है, इसमें क्या अलग है? बहुत से स्कैनर है। यस, उससे अलग क्या? इसमें जो हमारा जो डिजिटल स्कैन ऐप है उसमें आपको स्मार्ट एज डिटेक्शन मिलता है। तो ये जो स्मार्ट एज डिटेक्शन फीचर है, जब आप डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करते हैं कैमरे से, तो उसकी जो बॉर्डरिंग होती है वो ऑटो बॉर्डर जो उसका फीचर है वो कैम स्कैनर से काफ़ी हद तक बेहतर है। इसके अलावा आपको ये टोटली फ्री सर्विस है। कैम स्कैनर है और बाकी जो दूसरे ऐप्स हैं जैसे एडोब स्कैन है, तो वो सिर्फ पीडीएफ में ही आपके डॉक्यूमेंट को सेव करता है। और अगर आप डिजिटल स्कैन यूज़ करेंगे तो उसमें आपको इमेज आप जेपेग फॉर्मेट में आपको सेव कर सकते हैं। साथ में आप मल्टी डॉक्यूमेंट्स को, जैसे आपको कभी ज़रूरत पड़ी 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स को आपको एक पीडीएफ बनाना पड़ा, तो वो चीज़ भी विदाउट वाटरमार्क हम लोग ये सर्विस दे रहे हैं। दिन भर में बस